हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ। आप सभी को सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब लोग? भगवान की कृपा है और हमेशा रहेगी, तो सभी स्वस्थ मस्त रहना। और मैं भी घुस चुकी हूँ किचन में, अपना रेगुलर मॉर्निंग रूटीन है जो होता ही है सबका। और मैं भी बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स में बन रहा है आज पत्ता गोभी की सब्ज़ी, जो कि मैंने रात को कट कर ली थी, उसमें टाइम लगता है। और अभी काट रही हूँ मैं प्याज और टमाटर। एक तरफ हो रहा है तेल गरम और साथ ही साथ प्याज कट चुका है, टमाटर भी अब मैं चॉप करने वाली हूँ। और जो कोई भी वीडियो में नया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वो देखिए, मेरे बच्चा पार्टी हो रहा है तैयार, बड़े हो गए हैं, अपने आप तैयार हो जाते हैं और अपने आप वाटर बोतल भी भर लेते हैं। इतना तो मेरे लिए हल्का हो ही जाता है, अपने आप शू पॉलिश भी कर लेते हैं। तो मिल्टन का टाइम आ गया है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, खांसी जुखाम और थोड़ी ठंडक हो गई है मौसम में। तो मिल्टन निकाल दी है बच्चों के लिए, एक के लिए तो है और दूसरे के लिए उसके पापा लेके आएंगे। अभी सिर्फ एक ही मिल्टन है। आटा मैं रात को मतलब फिनिश हो गया था और आटा मैं अभी तैयार करूँगी। और सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है, सब्ज़ी बन रही है, बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो टाइम हो गया है 6:30 से ऊपर और बच्चा पार्टी बैठ चुका है टीवी वाले रूम में आराम से तैयार होके। और लोग सुबह सुबह भगवान का नाम लेते हैं और मेरा बच्चा पार्टी चुड़ैलों के दर्शन कर रहा है। तो आंगन में चिड़ियां फुदक फुदक के इधर उधर दौड़ लगा रही हैं। सूरज की किरणें निकल चुकी हैं पेड़ों के पीछे से, देखिए। और ओस की जो रात भर की बूंदें हैं उस पर इस तरीके से चमक रही किरणें, इतनी प्यारी लग रही हैं। तो ये देखिए, जो मैंने ग्रिल पे जो बेल थी ना मेरी, वो भी मैंने निकाल दी है तुरई की, क्योंकि उसमें तुरई ठीक ठाक मतलब आ नहीं रही थी। और कुछ आ भी रही थी तो अजीब सी, मतलब सूखी सूखी सी। तो उस बेल को मैंने निकाल ही दिया है, दूसरी बेल मैंने अभी रहने दी है, उस पर काफ़ी तोरी लग रही हैं। तो ये पूरी वॉल कुछ इस तरीके से हो गई है। और उस बेल के नीचे जो ये छोटे छोटे पॉट बना रखे हैं मैंने बॉटल से काट के, इनकी भी कोई केयर हुई नहीं। तो झाड़ू भी मारना है। और ये देखो गुड़हल कितना बड़ा हो चुका है मेरा, झाड़ू भी मारना है और साथ ही साथ थोड़ा बहुत धोएंगे हम पाइप से। गणपति बप्पा मोरिया। गाइस, एक बार फिर से आपको गुड मॉर्निंग। तो फिलहाल अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में, और किचन जैसे कि होता ही है सुबह बिल्कुल मैसी मैसी हो जाता है, तो मुझे उसको क्लीन करना है। लेकिन क्लीन करने से पहले मैं अपने लिए भी रोटियां बना के रख देती हूँ, ताकि एक तरफ से किचन पूरी क्लीन हो जाए। और अभी मैंने झाड़ू नहीं मारी है, अभी कमरों की हालत ये है। तो चाय भी बनाते हैं एक तरफ से बनाते हैं रोटी, और अपना काम निपटाने के बाद मैं मिलती हूँ सारा काम निपटाने के बाद मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो मैं फ़िलहाल पहले छत में दौड़ चुकी हूँ, क्योंकि बंदरों की आवाज़ आई और आज सुबह सुबह बंदरों ने आतंक फैला दिया है। व्हाट्सअप जो हमारा की डॉगी है, स्ट्रीट डॉग, वो चला गया उनको भगाने के लिए। और मेहनत से ये तोरियाँ, मतलब मेरी मेहनत की कमाई है, तो थोड़ा लालच आ ही जाता है। तो मैं छत में दौड़ गई हूँ और देख रही हूँ यहाँ से बंदरों को। तो बंदर बैठे हैं उधर पेड़ों में, और ये बच्चों का हल्ला हो रहा है जो स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। मेरे बच्चे तो मॉर्निंग में ही चले जाते हैं, सबसे जल्दी मेरे बच्चे चले जाते हैं। टाटा। मेरा चल रहा है नाश्ता, और अकेले अकेले खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। वो तो ये है कि खाना है बस, टीवी देखते देखते खाती हूँ, लाइट भी चली गई। तो दोस्तों, मेरा काम निपट चुका है और टाइम है और मन भी है। कई दिनों से मेरा बहुत मन कर रहा है, बहुत हाथ में खुजली हो रही है क्या करने की, सूट सिलने की खुजली हो रही है। तो मैंने परसों ये फेरी वाले में ये कपड़ा लिया, और इसका फ्लोरल डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कपड़ा भी ठीक है, मतलब वैसे कॉटन नहीं है ये, और आजकल जो सूट में कपड़ा चल रहा है वही है।
और इसका डिज़ाइन और कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऑल ओवर बनाने वाली हूँ मैं इसको, ऑल ओवर। और ये कपड़ा ऐसा है कि इसका कलर प्रिंट वगैरह कुछ नहीं जाता है, और जो लड़कियों की ड्रेसेस बनती है ना उस टाइप का कपड़ा है ये। कपड़ा अच्छा है और मात्र मुझे मिला ये 250 रुपये में। तो हम लोग यार मिडिल क्लास के हैं, तो हम लोग घर में ना इस तरीके का सूट पहनना पसंद करते हैं, और ये काफ़ी अच्छे भी होते हैं, काफ़ी चलते हैं। और 250 रुपये में इतना बढ़िया मिला है मुझे कि काफ़ी अच्छा। तो ये मैं सिलने वाली हूँ, और मैंने इसीलिए लिया कि मुझे सिलने का मन था, लेकिन मुझे सलवार सिलने में बड़ी आफत आती है, और स्टिचिंग मेरी इतनी अच्छी है, इतनी इतनी अच्छी है कि मैं अगर 10 साल बाद भी सिलूँ तो मेरा हाथ इतना सेट है, क्योंकि मेरा ना पहले से ही मन था सिलाई सीखने का शादी से पहले। तो मैंने सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग ली थी, उसमें मैंने सीखा था मतलब टोटली जो बेसिक चीज़ें होती है, और फाइनली कुर्ता और सलवार सीखा था मैंने, बस कुर्ता और सलवार। बाकी उसके बाद तो यूट्यूब में मतलब सब कुछ मिल ही जाता है, सब कुछ देखने को कि कॉलर वाला कैसे सिलना है और नेक डिज़ाइन पट्टी वाले वगैरह वगैरह। तो ये सब तो जिसको एक बार थोड़ी बहुत सिलाई की बेसिक चीज़ें आ गई ना, तो वो यूट्यूब से आसानी से सीख लेता है। तो मैं और भी चीज़ें सीख सकती थी, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है, घर के इतने सारे काम होते हैं, और मैं अपने लिए कुछ ज़्यादा ही बढ़ा देती हूँ काम, तो ये करने वाली हूँ मैं। और फ़िलहाल मैंने अपने रखी है 1 कप कॉफ़ी, और आज का दिन ना मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मतलब कि अजीब नहीं, मतलब अच्छा भी लग रहा है और याद भी आ रही कहाँ की, अपने गांव की। तो आजकल होता है ना कि गांव में ना आजकल बहुत मतलब काम काम ही काम होता है, घास काटना, धान की मंडाई वगैरह, और गांव में ना मतलब सन्नाटा छाया हुआ रहता है। और मेरे आंसू आना शुरू हो गए जैसे गांव की बात आती है, अपने बचपन की याद आती है, तो खुद ही स्वाभाविक ही आँखें नम हो जाती हैं। तो जो लोग गाँव में रहे होंगे ना अपने बचपन के टाइम में, उनको ये फीलिंग आती होगी। तो आज ना धूप भी अजीब सी लगी है, जैसे मतलब गांव में जाते थे हम, तो गांव में दूर दूर खेतों में लोग रहते थे, और कहीं ना कहीं से किसी की आवाज़ गूंजती थी, कोई आवाज़ देता था, पानी ले आओ, कोई कुछ कुछ, और गांव में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ रहता था। तो कुछ ऐसा है, और गांव में चलते मतलब घरों घरों में इक्के दुक्के घरों में बहुत ज़ोर से स्पीकर पर गाना ऑन रहता था, तो कुछ ऐसी बात है। तो आज मुझे वही फीलिंग आ रही है गाँव वाली, यहाँ भी सन्नाटा हो रखा है, बाहर चिड़ियाँ चू 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 लगी हैं, और बाहर अजीब सी धूप लगी है सर्दियों वाली, और लगभग सभी लोग काम पे लगे रहते हैं आजकल, खेतीबाड़ी है ना, मतलब इधर साग सगोड़े वाले हैं सब। और इसीलिए मुझे यहाँ का एरिया बहुत पसंद आया, और मतलब पसंद क्या है, मतलब हमारी ज़मीन यही थी। तो आजकल लोग बिल्कुल हाई सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं, और जब मैं यहाँ आई, यहाँ का पूरा इधर उधर एरिया देखा, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है गांव का एरिया, और ये गांव ही है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि फालतू नहीं बैठे रहते लोग, कुछ ना कुछ करते रहो। जेंट्स लोग अपना ड्यूटी रहते हैं, और लेडीज़ों के लिए भी बहुत काम है, अब रेगुलर घर के काम हो जाते हैं, बच्चों को संभालना हो जाता है, स्कूल से लाओ ले जाओ, और साथ ही अपने क्यारियों पर ध्यान, और साग सगुड़े हैं तो अपनी अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां भी मिल जाती हैं, मेहनत भी हो जाती है, और साथ ही साथ अपना दिनचर्या भी अच्छे से कट जाता है। तो कुछ ऐसे गांव की बात ही अलग होती है, सब कुछ देखने को मिलता है यहाँ, जो मुझे गांव में देखने को मिलता था सब कुछ है, इसलिए मेरा तो यहाँ ऐसा दिल लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कई लोग कहते हैं कि इतना दूर बना लिया इधर, ये सो कैसा एरिया है, गाँव के लोग है सो गाय भैंसे गोबर। तो चलिए कॉफ़ी लेके भी चलते हैं, और अपना सूट लेके भी चलते हैं। लेकिन बंदरों ने इतना परेशान करके रखा है ना, मैं अंदर बैठ के वीडियो शूट कर रही थी, और यहाँ बंदरों की टोली आ गई, दो तोरी ले गई है, छोटी छोटी थी, दो तोरी ले गई है बंदर। अब मैं फ़िलहाल आंगन में ही बैठी हूँ, और मैं सोच रही हूँ कि आंगन में ली आती हूँ चटाई, और आंगन में ही करते हैं काम। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और गर्मी इतनी है नहीं अब इतनी भयंकर, मतलब हवा चल रही है तो नहीं लग रही है, वरना तो है गर्मी अभी। यहाँ पोर्च में तो आ गई है छाया, और बाकी के आंगन में है अभी धूप, और मेरी ग्रिल कितनी खाली लग रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे से कुछ गायब हो गया होगा, बहुत खाली खाली लग रहा है। तुमको क्या लगता है, बना लेंगे बना लेंगे, बना नहीं पाऊंगी आज, लेकिन आज मैं सिर्फ कटिंग कर रही हूँ। स्टिचिंग तो पता नहीं कितना टाइम लगता है, कभी तो मैं 1 घंटे में भी पूरा कर लेती हूँ, जब टाइम हो मूड हो।
और कभी महीनों लग जाते हैं मेरा सूट सिलते ही नहीं, लेकिन जब महीनों तक रखा रहता है तो भूल जाती हूँ मैं कि कहाँ पे क्या क्या वगैरह वगैरह, और जब उसी टाइम सिल दो तो ज़्यादा सही रहता है। इसलिए आज तो मैं करने वाली हूँ ओनली कटिंग, तो चलो कट करते हैं। तो कपड़ा मैंने सेट कर लिया है और ये वाली जो कुर्ती है ना इसी के नाप से कर रही हूँ मैं, मतलब कि मैं अपना नाप नहीं ले रही हूँ और इसका फिटिंग काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, लेंथ भी और फिटिंग भी, तो मैं इसी को नाप के बनाने वाली हूँ। सबसे पहले करना है कट लेंथ, उसके बाद होगा बाजू गला वगैरह वगैरह। तो ये है लेंथ, इसको कट कर देती हूँ मैं। ये बचा है, इसमें से आएगा अभी बाजू और बाकी सलवार का, और मेरा सूट है ये। तो ये बन गया मेरा गला और ये है मेरा बाजू, कट आएगा यहाँ पे। इसको मैं कट कर रही हूँ और इसको तो मैं ऐसे रहने दूँगी। मैं वैसे बुकरम से नहीं सिलती हूँ, लेकिन ये कपड़ा काफ़ी ना फिसल रहा है, तो इसके लिए मुझे बुकरम लाना पड़ेगा। बुकरम का गला बनाऊँगी मैं इस बार, कभी नहीं बनाया मैंने, पहली बार बनाऊँगी बुकरम से मैं गला। ये कपड़ा थोड़ा वैसा है, फिसल भी रहा है और हल्का लाइट वेट है, तो इस पर बुकरम की ज़रूरत पड़ सकती है। और कॉटन होता तो कॉटन पे तो मैं कॉटन का ही कपड़ा लगा के गला सिल देती हूँ, काफ़ी अच्छा सेट बैठता है और अच्छा भी लगता है। लेकिन ये फिसल रहा है कपड़ा, तो शायद इसके लिए बुकरम लाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसकी मैचिंग का कोई कपड़ा है नहीं अंदर, वरना कॉटन का कपड़ा स्टिच करके मैं इसका गला बना सकती थी, लेकिन एकदम डिफरेंट कलर है। तो चलो फिलहाल मैं बाजू कट करती हूँ, मतलब कि ये वाला हिस्सा। द्विगति बैसाख सुरमा मेरा मुलुक मेला, मेरा मुलुक मेला है। ये है मेरी बाजू, इसको कट कर लेते हैं। मेरे बच्चों ने मेरी कैंची पूरी ऐसी ख़राब कर दी है, पता नहीं क्या क्या काटते रहते हैं इसे, कागज़ वगैरह। बापरे, ये हो गई मेरी बाजू। तो चलिए ये सब फैला हुआ उठा लेते हैं, इतना कूड़ा हो जाता है सिलाई में, ये सब काम आ सकते हैं अभी, फेंकना नहीं है। खाना बनाने का टाइम हो गया, 1 बज गए हैं, लेकिन एक राउंड में देख के आती हूँ। मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ा हुआ था, कहीं बंदर तो नहीं है, थोड़ा देख के आते हैं। बंदर है लेकिन पेड़ों में बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी ये लोग भात दाल खा के सो जाएंगे लमलेट, और हम आ जाएंगे लगलो को झंझोड़ने के लिए। किली बाय, प्रणाम भाई, कहाँ है आज? अबे अकेले क्यों भेजा, बंदर आ रखे इधर। जा रे हर जाई सावन का महीना आया है, तो हमारा दिन का खाना रेडी हो चुका है। खाने में है चावल सांबर और ये नारियल की चटनी, जो कि बच्चों की फरमाइश थी, परसों मैंने बनाई थी, बच्चों को अच्छी लगी, मुझे तो कोई पसंद नहीं आई। तो हम सपोड़ने पे लगे हैं बादल। तो हमारी बन गई है फिलहाल शाम की चाय, और शाम के नहीं रात पड़ने वाली है, 7:30 हो गए हैं, और हम गए थे डॉक्टर में डुग्गू को दिखाने के लिए, तो ही इज ओके नाउ। तो फिलहाल हमारी बन रखी है चाय, और मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चों को थोड़ा काली मिर्च अदरक वाली चाय देना बहुत ज़रूरी है,
तो थोड़ी थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है। और इसके बाद हमारा खाने में क्या है आज, और इनका हल्ला देखना, पार्ट थोड़ी दें, हल्ला देखना इनका। ए पुत्रों लाइट आ गई। हाँ तो ये वाली लाइट जलाओ ना फिर, बंद ले गया जब बंद। अच्छा यहाँ पर रखो अपना स्टूल, किसका तो आदर्श कर रहा है अपना होमवर्क कर रहा है। और आज की खाने की बात की जाए तो आज खाने में वही है जो दिन में था, इसलिए मैंने दिन में खूब मेहनत करके बना लिया था। आज सांभर भी बनाया था, चटनी भी बनाई थी और दही वगैरह भी था। तो दही तो रात को खाएंगे नहीं, लेकिन सांभर बचा हुआ है और हम बाहर से भी कुछ चुटर पुटर खा के आ रखे हैं। और फिलहाल ये चाय में खाएंगी ये बन, और मेरा तो पेट भरा है, लेकिन मैं अपने लिए पीनट, कुकू मेरी नमकीन लिया ना टेबल के ऊपर रखी है, टेबल के ऊपर नमकीन रखी हुई है पीनट वाली। तो आज लदुड़ी कुचड़ कुचड़ खा के भूरी जी ला। तो आज खाने में वही है जो दिन में खाया था, थोड़ा बचा है सांभर और चटनी बची है, बस रोटियां बनानी है जितनी जितनी खाएंगे बच्चे, और उसके बाद आराम। अब कटोरी भी ला। तो आज सब्जी नहीं बना रही मैं, तो खाना बनाने की छुट्टी है, रोटी बनाऊंगी, इसलिए मैं आदित्य को करवा रही हूँ क्या डिवीज़न, आदित्य का डिवीज़न आ गया अब। और आदित्य तो बस प्लेट घुमाने पे लगा। पढ़ा क्या रहे हो आप? पढ़ा तो मैं रही हूँ, लेकिन रफ नोटबुक ले क्या ये फिर। हाँ लाओ, पहले तुम चाय छोड़का लो। तो चलिए ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं, फ़ायदा उठाते हैं जब मैंने खाना आज मैंने सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनानी, बनानी नहीं है लेकिन काटनी ज़रूर है सुबह के लिए, मॉर्निंग में बच्चों के टिफिन के लिए सब्जी काट दूँगी। हमने खाया था मोमो और स्प्रिंग रोल खिलाए थे मैंने बच्चों को। तो चलिए गाइस, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा, और तोड़ दे उसको आधा, कुकू के मुंह के बराबर है पूरा बन, है ना। तो चलिए गाइस ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और आज तो मैं सूट काटा है, अगले ब्लॉग में या फिर पता नहीं कितने दिन लगेंगे उसको सिलने में मेरे सूट को, देखते हैं। अरे बुकरम लाना भूल गई। क्या लाना? बुकरम 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 क्या बुकरम लाना भूल गई मैं, कल जाना पड़ेगा मुझे अब सुबह, क्या होता है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपको, टाटा बाय बाय, जय देव गोपी, जय उत्तराखंड, हर हर महादेव, बाय। Thank you.